दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 गैंगस्टर के बारे में बताएंगे। दोस्तों इनमें से ज्यादातर गैंगस्टर को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है बिल्ला सांडा का। यह उत्तर प्रदेश के हारनपुर का रहने वाला है। इस पर हत्याओं सहित लूट डकैत और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे वर्ष 2015 में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान यह सदर हवालात की जाली तोड़कर 3 कैदियों सहित फरार हो गया था। फरार होने के बाद इसने कई कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकी दी। हालांकि कुछ दिनों बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई थी। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। दोस्तों ये पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। इसने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया। इस पर 50 से अधिक ज्यादातर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि 30 मामलों में बरी भी हो चुका है और वर्ष 2011 में शादी छात्र नेता पर हमला करने के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल जाने के बाद यह जमानत पर बाहर आया, लेकिन इसने कुछ दिनों बाद ही इस पिस्टल और कारतूस के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2015 में पेशी पर जाने के दौरान यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। हालांकि बाद में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। इसने वर्ष 1999 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, जब कुछ बदमाशों ने इसके पिता की हत्या कर दी थी। इस पर हत्या के साथ साथ लूटपाट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मारकर हत्या करने के बाद सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया था। सुनील राठी फिलहाल जेल में बंद है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर का। इसने अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे फरवरी 2016 में अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए किए गए 4 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान इसके साथी से बगा कर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। फिर 5 सितंबर 2019 को इसके साथियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके इसे फिर से बगा कर ले गए, लेकिन बाद में भी पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों नंबर 6 पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का। इसे फिरौती के धंधे का किंग भी कहा जाता है। इस पर हत्या, किडनैप और जबरन वसूली के कुल 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 2004 में पहला कत्ल किया था, जब यह नाबालिग था। दोस्तों आपको बता दें कि नीरज बवाना ने ही कुख्यात अमीरपुरा को कोर्ट में गोलियां चलाकर भगा कर ले गया था। इसी वजह से इस पर कड़ी धाराएं लगा दी गई थी। हालांकि बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल यह जेल में बंद। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है पंजाब के रोबिन हुड कहे जाने वाले रुबिंदर गांधी का। जी हाँ दोस्तों, 22 वर्ष की उम्र में यह गांव का सरपंच बन गया था। इतना ही नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र नेता और यह आइकन भी था। गांव वालों के लिए यह एक प्यारा सा लड़का था, लेकिन गांव के बाहर लोगों के लिए इसके नाम से ही कांपते थे। यह शुरुआत से ही कई राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल था, इसलिए बहुत से नेता और गैंगस्टर इसे अपने रास्ते का रोड़ा भी समझने लगे थे। इसके दुश्मनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी और वे सभी इसे रास्ते से हटाना चाहते थे। दोस्तों आपको बता दें, 9 सितंबर 2003 में इसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसे 5 सितंबर को अगवा करके सलोडी गांव में रखा गया था और यहीं पर इसे 2 गोलियां मारकर भाखड़ा नहर में फेंक दिया गया था। दोस्तों जब पुलिस को इसकी खबर मिली तो पुलिस ने चोरी छिपे अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि किसी को पता ना चले और किसी तरह प्रदर्शन ना हो। दोस्तों आपको बता दें कि रुबिंदर गांधी के अंतिम संस्कार को लेकर कई तरह के मतभेद हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें कभी गांधी की बॉडी मिली ही नहीं। आपको बता दें, रुबिंदर गांधी की जिंदगी पर पंजाब फिल्म बन चुकी है। दोस्तों इस लिस्ट में 4 नंबर पर नाम आता है पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्का कहलो का। दोस्तों इनका ज्यादातर समय करतारपुरा के कहलुआ गांव में बीता है। इनके माता पिता दोनों ही एनआरआई हैं।
इस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास और लव मैरिज लूटपाट के मामले सामने आए हैं। दोस्तों आपको बता दें, इसने लव मैरिज किया और शादी के बाद पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया, लेकिन वह पत्नी के साथ विवाद होने के बाद यह वापस जालंधर आ गया। वापस आने के बाद यह बुरी संगति में पड़ गया और फिर इसी के साथ जन्म हुआ कुख्यात गैंगस्टर सुक्का कैलो का। दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी 2015 को पुलिस की मौजूदगी में 15-20 हमलावरों ने इस पर 50 से ज्यादा गोलियां दाग कर इसकी निर्मम हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस सुक्कापुर नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए गई थी। जालंधर अदालत में पेशी कराने के बाद गैंगस्टर सुक्का को जब वापस लाया गया जेल में, तब उसी समय फिल्म स्टाइल में पहुंचे दो फॉर्च्यूनर कार में पुलिस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कई गोलियां लगने से मौके पर ही सुक्का मारा गया था। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का। दोस्तों इसका कोप राजस्थान के साथ साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा, दिल्ली, यूपी में भी था। यह हमेशा खतरनाक हथियारों के साथ लेटा रहता था। जी हाँ दोस्तों, इस पर हत्या, डकैती, लूटपाट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। यह मूलतः नागौर का रहने वाला था और वर्ष 2006 में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद इसने कई बड़े अपराध को अंजाम दिया। वर्ष 2006 में इसने राजस्थान के डीडवाना में जीवाराम उदारा की गोलियों से भूंद कर हत्या कर दी थी। इस हत्या के अलावा डीडवाना में 13 मामले दर्ज थे। दोस्तों आपको बता दें कि सीकर के गोपाल में हत्याकांड को आनंदपाल ने अंजाम दिया था। इसने वर्ष 2006 में वर्ष 2011 के बीच कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। इसी बीच इसने जयपुर के निकट फागी में आंसू जी के सामने सरेंडर कर दिया। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2015 में पीसी पर जाते समय पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया। इस घटना के 1.5 साल बाद पुलिस द्वारा किए गए एक ऑपरेशन में आनंदपाल को मार दिया गया था। इस ऑपरेशन में दोनों तरफ से बहुत गोलियां चली थी। इसमें पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कई माफिया रहे हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड में शामिल हो चुका है, पर श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम था जिसे जनता ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस और नेता भी कांपते थे। ये 90 के दशक में यूपी का सबसे बड़ा डोन था, जो खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन गया था। वर्ष 1993 में एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देख कर सीटी बजा दी थी। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने युवक की हत्या कर दी थी। यह इसके द्वारा किया गया पहला जुर्म था। इस हत्या के बाद वह जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। श्री प्रकाश शुक्ला के ताबड़तोड़ अपराध पुलिस और सरकार के लिए सिरदर्द बन चुके थे। सरकार ने इसके खात्मे का मन बना लिया था। इससे निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था। इस फोर्स का पहला टास्क भी श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़वाना था। सितंबर 1998 में खबर मिली कि प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। इसके बाद एसडीएम इसकी कार का पीछा करने लगे। जैसे ही उसकी कार इंदिरापुरम की सुनसान इलाके में पहुंची, तब एसडीएम ने उसे घेर लिया और उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा मानी। वह एसडीएम पर फायरिंग करने लगा। जवाब में एसडीएम ने भी फायरिंग की, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है मान्य सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, तब इसने अपने साथ खड़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मान्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा का उस इलाके में काफी दहशत थी। मान्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर वर्ष 1969 में किसी 2-2 बार का मर्डर किया था। इस कत्ल के आरोप में मान्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद मान्या सुर्वे को मुंबई की बजाय पुणे जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने के बाद मान्या सुर्वे सुधरने की जगह ज्यादा खुकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, जेल में बंद डॉन सुभाष भट करके दोस्तों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन परेशान होकर उसे वहां से निकाल कर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। इस पर नाराज होकर मान्या सुर्वे ने वहां भूख हड़ताल कर दी। जी हाँ दोस्तों, तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौका मिलते ही वह फरार हो गया। वहां से फरार होने के बाद मान्या सुर्वे मुंबई गया और नए गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे मान्या सुर्वे की दहशत बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मुंबई में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए। तमाम आलोचनाओं के बाद जब मुंबई पुलिस की नींद खुली, तो उन्होंने मान्या सुर्वे और उसके गैंग के लोगों की तलाशी शुरू कर दी।
पुलिस ने सबसे पहले वर्ष 1981 में सेंत मुनेर को गिरफ्तार किया। इसके बाद मान्य सुर्वे गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। जी हाँ दोस्तों, पुलिस लगातार मान्य सुर्वे की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच 11 जनवरी 1982 को मान्य सुर्वे ने अम्बेडकर कॉलेज के पास स्पेशलिस्ट ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, जिसकी खबर पुलिस को लगी और पुलिस ने उसी दिन मान्य सुर्वे को भीड़ में मार दिया था। दोस्तों कैसी लगी भारत की टॉप 10 गैंगस्टर की सूची, हमें कमेंट करके बताना जरूर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।